दादाजी, पूजा मेरी वजह से घर छोड़कर गई थी। तेरी वजह से? हाँ माँ, मैं और पूजा एक छोटी सी बात पर उलझ गए थे और बहस करते करते बेध्यानी में मैं अपना आपा खो बैठी और मैंने मैंने पूजा पर अपना हाथ उठा दिया। लेकिन अज्जू, तुम दोनों में आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि तुझे पूजा पर? अब रहने भी दीजिए ना रमा जी, अब बच्चियों में इतना प्रेम है तो झगड़े तो होंगे ही, क्यों बाबूजी? पूजा, पूजा मुझे माफ कर दे। पता नहीं कौन सी सनक में थी मैं, पर तू तो जानती है ना कि हम चारों का दिल ही नहीं बल्कि बल्कि हमारी सांसें भी जुड़ी है एक दूसरे से। अगर किसी एक को कुछ हुआ तो तकलीफ तकलीफ तीनों को होती है। पूजा, पूजा अगर आज तो कहीं चले जाती ना तो हम जिंदा नहीं रह पाते। कोई भी सजा दे दे, कोई भी, चाहे तो दो चार थप्पड़ मार ले, पर प्लीज हमें माफ कर दे पूजा। तुझे जरा भी अकल है? या सपना के साथ गोलगप्पे खाने में बेच खाई वो भी? इतना क्या गुस्सा आ गया कि अज्जू ने कुछ कह दिया तो घर छोड़ के चली गई? आज अज्जू से झगड़ा हुआ तो घर छोड़ दिया, कल को अगर मैंने डांट दिया या फिर दादी ने कुछ कह दिया या फिर सुषमा या सत्य प्रकाश ने कुछ कह दिया तो घर छोड़ के चली जाएगी तू? इतनी समझदार होकर भी ऐसी बचकानी हरकत? एक बार भी नहीं सोचा कि ठाकुर अयोध्यानाथ सिंह का दिन तभी पूरा होता है जब वो तुम चारों बच्चों को एक साथ खुश होते देख लेता है? ऐसे घर छोड़ के चली जाती तो क्या बीतती हम पर? और हमारी छोड़, ये सुषमा की सोच, इसने तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तुझे अपनी सगी बेटी से बढ़कर मांगती है ये। आज इस आदमी में तुम्हारा सपना का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जला देगी। तू चली गई तो इसकी तो जान ही निकल जाएगी। ये रमा, सुभद्रा, तेरी दादी, सब के सब, तुम सब के मुस्कुराते चेहरे देखकर जीते हैं। तू इनसे इनकी जिंदगी का मकसद छीन लेना चाहती थी? खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसा कदम उठाया तो। और अज्जू, आज के बाद अगर हमने जरा भी ये सुना कि तुम चारों के बीच में कोई भी अनबन हुई है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
यू अज्जू, कल दादाजी के सामने तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए तू क्यों थैंक्स बोल रही है? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए कि तूने उस गलती के लिए मुझे माफ कर दिया। पता है पूजा, जितनी देर के लिए तू इस घर में नहीं थी ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में जान ही नहीं है। हाथ पांव सुन्न हुए जा रहे थे, लगा कि तुझे हमेशा के लिए हमने खो दिया। प्लीज पूजा, एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल कि तूने मुझे हमेशा के लिए माफ कर दिया और तू कभी इस तरह घर छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने तुझे माफ कर दिया अज्जू, तू चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल तो सही, चल। पर कहाँ? चल ना पूजा। अज्जू तू मुझे कहाँ लेके जा रही है? तू चल तो। पूजा चल ना। तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है अज्जू? मुझे कुछ बात करनी थी। बात तो छत पे भी हो सकती थी ना? नहीं पूजा, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें वक्त मिलने पर ही जुबान दे देनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। और ये बात हम चारों से जुड़ी हुई है, जिसे खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि चार दीवारों के दायरे में ही करना ठीक होगा। कल घर में जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती वो फिर दोबारा कभी हो। पूजा, पूजा मैं मानती हूँ कि गलती मेरी थी, पर तू गुस्से में ये कैसे भूल गई कि हमारा वजूद इस घर से है? और पता है ना, इस घर की पहचान उन तीन घरों की दोस्ती है जो सालों से इस घर को एक किए हुए हैं। पूजा, तू भूल गई क्या? हम गोलगप्पों के लिए भी लड़े हैं और कांच की चूड़ियों के लिए भी। कौड़ी के खेल की हार का गुस्सा हम कंचों के खेल में बेईमानी करके निकालते थे, पर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि हम में से किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। पूजा, अलका, सपना, मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी हुआ वो सब भूलकर हमें पहले जैसा ही रहना पड़ेगा। झूठ मूठ का ही सही, पर हमें घर वालों की नजरों में खुश दिखना पड़ेगा। पूजा, अज्जू सही कह रही है, हमें अपनी प्रॉब्लम आपस में ही सुलझानी होगी। ठीक है, इससे पहले कि कोई सवाल उठाए तुम वापस हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। कमरे के बाहर हम दो हस्ती खेलती सगी बहनें होंगी, पर कमरे के अंदर हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। यहां एक दूसरे के लिए हम अजनबी और सिर्फ अजनबी होंगे। तो फिर वादा करो हम सब फिर से वैसे ही बन जाएंगे जैसे हमारे घर वाले हमें देखना चाहते हैं।
थैंक यू। भोला काका ने ये दवाई दी है, दो गोलियां सुबह और दो गोलियां शाम को। ठीक है। तुम्हारी चाय। क्या हुआ? पूजा, पेट में अब भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम रहने दो, मैं तुम्हें चाय पिला देती हूँ। नहीं पूजा, तुम तकलीफ मत करो। मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह मैं हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ करूंगी तो वो तकलीफ नहीं, प्रायश्चित होगा। अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने तुमसे कल पूछा था। पूजा, हम दोनों की आंखों में हमेशा बहुत सारे सवाल रहे हैं, लेकिन आज मैं उन सारे सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। बताओ ना पूजा, क्या मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती? तुमने चाहे मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बोलती हुई उन आंखों से मुझे जवाब मिल गया। पूजा, सपना, अरे कहाँ हो सबके सब, इधर आओ इधर आओ। खुश रहो मेरी बच्चियों। अरे तूने क्या मीना कुमारी की तरह शक्ल बना रखी है? अरे दादी, वो क्या है ना, आपको याद कर करके हमारी जिंदगी पाकीजा हो गई थी, तो हमारी शक्ल मीना कुमारी जैसी तो हो ही जाएगी ना। खुश रहो मेरी बच्चियों। अरे तेरी बच्चियां क्या, अब तो पूरे परिवार के खुश होने का समय आ गया है। ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम लोग सब खुशी से झूम उठोगे। अरे दादी, खबर तो सुनाओ, क्या है? सुनो तो दादी, बताओ ना दादी, क्या बात है? दादी बोलो ना, बताओ ना। दादी बताओ ना। कैसे बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही है। बताते हैं भाई, गए तो थे हम जौनपुर अपने भतीजे का झगड़ा निपटाने, और लौटे हैं अपनी सपना बिटिया के लिए रिश्ता लेकर। सपना के लिए रिश्ता? लड़का कौन है, किस खानदान का है, देखने में कैसा है माँ जी? अरे सुषमा जी, आप माँ से प्रश्नोत्तरी खेल रही हैं क्या? उन्हें सांस तो लेने दीजिए,
अरे बताते हैं, हम पूरा बायोडाटा बताते हैं। लड़का जो है ग्रेजुएट है और एक विदेशी बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। अरे बड़ा संस्कारी है, बहुत अच्छा लड़का है और खानदान तो ऐसा कि पूरा बनारस चौंधिया जाएगा उनका नाम और रुतबा देखकर। दादी लड़का दिखने में कैसा है? देख मेरा थैला दे। मैं दिखाती हूँ, अपने आप देख लो। कहाँ गई? हाँ, ये। देख सपना, क्या वो तो शर्मा के भाग गई। इधर ला। अच्छा अच्छा है। कैसा लगा? ओ हो सपना रानी, तेरे होने वाला राजकुमार घोड़े से ना से पर जौनपुर वाली बस से जरूर आ रहा है। हाय, देख तो क्या फैंटाबुलस दिखता है। अज्जू, ये तुम्हारा नहीं, हमारी सपना का राजकुमार है। वैसे सपना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारा सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा। क्या हुआ? ये लो, नकाब वाले राजकुमार को तो रोज प्यार से देखती थी और आज नकाब उतर गया तो इनका चेहरा उतर गया। अलका, वो पूजा की वजह से। वो क्या है ना, जब तक अपनी सपना रानी अपनी खुशी पूरी तरीके से पूजा से शेयर नहीं कर लेती ना, उसे अपनी खुशी अधूरी लगती है। सपना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना जैसे ही रिश्ता पक्का होगा ना, वैसे सब ठीक हो जाएगा। पूजा भी पहले जैसी हो जाएगी। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड।